ज़्यादा ना तो लाउड बोल पाऊंगा और ना ही कुछ ज़्यादा एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। कल हमारा ये फाइनल है इनका, और ये दोनों मैच फिलहाल नहीं दे रहा, कहाँ नहीं दे रहा आप समझ जाना। अगर देने लगेगा तो मेरी टीम यूएई रहेगी, देने लगेगा तो मेरी टीम कुवैत रहेगी। मैं हमेशा हेम्पशायर के साथ रहता हूँ, आपको मालूम ही है जो भी मेरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमेशा से अच्छा मैच आपको प्रोवाइड करती है, अच्छा मैच का मतलब आप समझ जाना। और ये वाली टीम कौन है, अगर आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने साफ साफ बोला था कि इनके कोचेस सब कुछ चेंज होने के बाद ये पहली बॉल से मार रहे हैं, ठीक है। और ये टीम 10वें 10वें नंबर पर रहती थी, अरे ये टीम 10वें 10वें नंबर पर रहती थी, इतनी ख़राब टीम थी। तो इनके कोचेस वगैरह चेंज होने से टीमें चेंज होती है और ये फाइनल में पहुंच गई, मतलब ये बहुत हैरानी की बात है। आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई प्लेयर ही नहीं, ठीक है। तो कल के दिन मैच अच्छा बन सकता है, ठीक है। मैं चाहूँगा हेम्पशायर पहली बैटिंग करे और मैच को डिफेंड करे, ठीक है। तो मेरी टीम हेम्पशायर रहेगी, मैं हमेशा हेम्पशायर के साथ रहता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, आइए फटाफट टीम देख लेते हैं। इसमें तो एक मैच हो जाने दीजिए, हालांकि अब मैं आज नहीं देख पाऊंगा इसको, कल से देखते हैं एक मैच इनका प्रदर्शन देख लेते हैं कौन क्या करता है। इनका फल यही है कि इनका ये जो यासीन पटेल है मेन बॉलर है, ठीक है। और इनका ये कुद्दूस ये सब अच्छा खेलते हैं और इनकी अच्छी बैटिंग है, ठीक है। और बहरीन वगैरह एक बार अच्छा हो जाने दीजिए, इसमें अब्दुल माजिद का नाम याद रखिएगा, बहरीन में अच्छा लेफ्ट आर्म का स्पिनर है। और ओमान और यूएई तो ये तो मैं पूरा ही बता सकता हूँ आपको, ये सब अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं आप बोल सकते हो। आयान खान अच्छे ऑलराउंडर है जडेजा की तरह, ये सारे क्रिकेटर कहीं ना कहीं करते हैं, ये सब बहुत तेज फेंकते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। और ये तो आप मालूम ही है कंटिन्यूस इनका मैच हो रहा है, मोहम्मद वसीम टिकेगा तो चाहे सामने कोई भी टीम हो जिता देगा। और इसके अलावा आसिफ खान अच्छा खेलता है, स्टैंडर्ड ब्रायन लारा से कंपैरिजन है, मतलब जिस हिसाब से खेलता है इज़ वेरी गुड, ठीक है। मेरी साउंड थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है, कम रहेगा। बेसिल हमीद आपकी, आर्यन अफजल खान, ये बहुत अच्छा बॉलर है और आगे बढ़ के आपको नाम करते हुए मिलेगा। एम फराजुद्दीन, ठीक है, ऑफ स्पिनर है। और बाकी ये सब पुराने इनके फास्ट बॉलर, जवादुल्ला भी अच्छे हैं, ठीक है। हमारी टीम इसमें यूएई रहेगी और ये सब मार के खेलते हैं, याद रखिएगा। टीम अच्छी है और वियान मोल्डर जैसे साउथ अफ्रीका ने इनको बर्बाद कर दिया, नहीं खिला रहे हैं। लुइस किम्बर बहुत तगड़ा खेलते हैं नीचे में, टॉमस क्रेवेंस अच्छा 5-5 विकेट ले रहे हैं, अच्छी ठीक ठाक फास्ट बॉलर है और हमेशा से मेरी फेवरेट टीम रही है। कुछ खास नहीं रहता है टीम में, पर लियाम डॉसन आपके, हो सकता है कल कोई इधर जो सब 100 खत्म हो गया तो हो सकता है वो मेन मेन प्लेयर खेल देते, इसीलिए प्रिडिक्शन करना अभी सही नहीं है, ठीक है। अभी टीम वगैरह कल जब आएगी तो मैं एक बार आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ बता दूंगा। हमारे मैं यही चाहूँगा कि हेम्पशायर पहली बैट करे और इसको डिफेंड करे, ठीक है। इनके मेसन क्रीन, कीथ पार्कर काफ़ी अच्छा बॉलर है, ब्रैडली वील काफ़ी अच्छा बॉलर है, ये स्कॉटलैंड में भी खेल चुका है, तो इसके बेसिस पे मैंने लास्ट ईयर स्कॉटलैंड वाला मैच शायद एक डिफेंड भी दिया था। तो यही टीम हमारी रहेगी, ये बहुत दूर तक आ गई है, ये भी टीम अच्छा कर सकती है, मैच जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। हालांकि मैं फाइनल में हमेशा डिफेंड पकड़ता हूँ, आपको मालूम होगा कि भाई क्योंकि फाइनल में प्रेशर होता है तो वो डिफेंड के साथ आप रहो तो बेटर रहेगा। हेम्पशायर पहली बैट करेगी तो हेम्पशायर के साथ, लैंकी शायर पहली बैटिंग करेगी तो भी हेम्पशायर के साथ, ठीक है। मेरी टीम हेम्पशायर ही रहेगी, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। तो और तो दोस्तों कुछ बोलना नहीं है, ये रहेगी पहली बैट करे तो 100% यही रहेगी, ये रहेगी, ठीक है। ऑडियो थोड़ा कम होगा आज के दिन, थोड़ा वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी मैं चलता हूँ।